जी जोर से बोलिए, खड़े हो जाए टाइम। डायनासोर डायनासोर हाँ किसी में है वो जानवर, कई बार बताते हैं लाखों संख्या लगती है और डी लाखों संख्या जो बताते हैं कि लाखों वर्ष हुए वो नर बताते हैं, झूठ खंड स्थापन करने वाले या सत्य खंड स्थापन करने वाला बता रहा है, नर बताते हैं। आपको किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास हो जाता है? बाकी फिर पूछते कौन सी डायनासोर होते हैं, लेकिन डायनासोर जिनकी जाति लुप्त हो चुकी है वो द्वापर युग की दुनिया में होती थी। जैसे कोई बड़ा जंगल है और उस जंगल में कोई विशेष जाति के जानवर पनप रहे हैं और खुदा न खास्ता उस जंगल में आग लग गई और सारे ही उस जाति के जानवर जल मरे, एक बच गया, तो जो एक नर या एक मादा बचेगी आग जब खलास होगी समाप्त होगी तो दुनिया के जो दूसरे जाति के ब्राह्मण है वो जानवर है उन जानवरों के साथ उसका संसर्ग संपर्क हो सकता है या नहीं? हो सकता है। वो संसर्ग होने से उनकी जाति बदल जाती है और डायनासोर की जाति लोप हो जाती है। इसलिए ये अनुमान लगाना कि लाखों वर्ष पूर्व होते थे ये बात रंग है। और बाबा मैंने बताया स्टूडेंट लाइफ होते हैं संगमी की लक्ष्मी नारायण की, एक दूसरे के घर जाते हैं। लक्ष्मी नारायण नहीं जाते एक दूसरे के घर, राधा कृष्ण जाते हैं। सुनते सुनते ही तब्दील कर देते हो। लक्ष्मी नारायण नहीं संगमी राधा। हाँ एक दूसरे के घर जाते हैं। हाँ बताया संगमी कृष्ण का बात में है, संगमी कृष्ण से बात में है। राधा तो दूसरे काम में है ना। हाँ हाँ तो स्वर्ग में घर जाने की बात है और स्वर्ग में घर जाने की बात है, वहाँ दो दो राजधानी वहाँ होती है स्वर्ग में। स्वर्ग नहीं बाबा घर 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 बातें हैं, घर जाते हैं बातें हैं आदि। हाँ चंद्रवंश का घर अलग और सूर्यवंश का घर अलग, तो वो सूर्यवंश के घराने में जाती है और वो चंद्रवंश के घराने में जाता है। क्या बड़ी बात हो गई? दूसरे खंड में है ना, दूसरे खंड में क्या जा नहीं सकते आज की दुनिया में है? आज की दुनिया में एक खंड से दूसरे खंड में जाना आना संभव नहीं है क्या? है हो सकता है। अरे हो सकता है, फिर पूछने की क्या बात? हाँ ये बोला है कि मिस इंडिया, जब मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? ये मुरली में बोला है। माना जब तक उसकी बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक मनुष्यों के डायरेक्शन पर चल करके वो विदेशों की सेवा करेगी। जब बुद्धि में बैठ जाएगा कि ईश्वरीय डायरेक्शन क्या है तो कहां की सेवा करेगी? ईश्वरीय सेवा करेगी। खास भारत का पहले उद्धार होगा या विदेश का उद्धार होगा?
खास भारत वासियों के लिए आता हूँ और आप सारी दुनिया के लिए आता हूँ। तो बच्चों का भी क्या फर्ज है? बच्चों का भी फर्ज बनता है खास भारतवासियों की सेवा करें और आप सारी दुनिया की सेवा करें। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। ऐसे नहीं अपने घर में आग लगती रहे और पड़ोस के पड़ोसियों के बच्चों को हम बचाते रहे, ऐसे होता है क्या? और जो काम किया उसके साथ संबंध निभाया, अभी शूटिंग फिल्म में होने वक्त है ऐसे बताया, पर कोई मुरली में बताया अभी जो शूटिंग करते हैं अभी थिएटर बाउंस जंग में शूटिंग ये सब से 5 बजे से ऐसे बताया दोनों में। उसकी बात को पूरा किसी ने समझा तो बताओ बाबा। बताते हैं रेशन जंग में जो बात बात बजाया वो, अरे इनकी बात को समझ लिया तो बताओ जल्दी। हाँ बात तो एक ही हो गई। रेखा जन जिनके साथ पाठ बजाया वो संबंधी भी है संपर्की भी है और अरे वो यहाँ मन के अंदर संकल्प में आते हैं और वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि वो मन के संकल्प के अंदर ही आकर रह गए हो, तो प्रैक्टिकल पार्ट भी वहाँ उनके साथ चलता है। यहाँ संकल्पों से शूटिंग होती है या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ही शूटिंग होती है? संकल्पों से सच्ची रखी जाती है, ब्रह्मा के संकल्पों से सच्ची रची गई तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सच्ची नहीं रची जा सकती। त्रेसठ जन्मों में जिनके संसर्ग संपर्क में हम प्रैक्टिकल में आए हैं वो आत्माएं इस संगम युग में हमारे मन के संकल्पों में भी आती हैं। संकल्पों की रील में उनके साथ हमारे मानसिक रूप से संबंध और संकल्प जुड़ते रहते हैं। और आगे सोने जब हम सो जाते हैं तब आत्मा कहीं नहीं जाती है, नील अवस्था में रहती है, जाती कहीं नहीं है। जैसे परमधाम में आत्मा है नील अवस्था में रहती है, कहीं जाने आने की बात नहीं है। जैसे सूक्ष्म बतन में शरीर नहीं होता, मन बुद्धि से आत्मा भटकती है, ऐसे ही स्वप्न में मन बुद्धि से आत्मा दुनिया में भटकती है, उसे नील स्टेज नहीं कहेंगे। और जागृत अवस्था में साकारी स्टेज में आत्मा अनुभव करती है, साकार कर्मेंद्रियों के सुख दुख का अनुभव करती है। तो साकारी स्टेज का अनुभव जागृत अवस्था और आकारी स्टेज का अनुभव
स्वप्न अवस्था, और सोते समय जो सुसुप्ति अवस्था बनती है निम्न स्टेज, वो है परमधाम की बीज रूप स्टेज। और सूर्य का कनेक्शन सभी ग्रहों से है या चंद्रमा का कनेक्शन सभी ग्रहों से है? सूर्य का कनेक्शन सब ग्रहों से है, चाहे कोई भी धर्म खंड वाले हो, वो विश्व का पिता है और माता भारतवासी है, माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। बाप विदेश में जाता है कमाई करने, माता नहीं जाती है, माता बच्चों को संभालती है। हाँ तो क्या हुआ, फ्रेंड के रूप में नहीं करवा सकती, माँ और बच्चे के रूप में नहीं करवा सकती, बाप बेटे के रूप में संबंध नहीं निभा सकती, संबंध निभाना तो अच्छी बात है, लेकिन संबंध जो है उसमें टूटना नहीं होना चाहिए। संबंध जोड़ने के बाद अगर तोड़ा जाता है तो खराब बात हो जाती है। इसलिए भारतवासियों के लिए गाया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक में सारे जन्म की मर्यादा बंद करके रहती है, वो अच्छी बात है, विदेशों में नहीं माना जाता। और आदमी की स्थिति होगी तो दुख होगा या देवान की स्थिति होगी तो दुख होगा, देह अभिमान की स्थिति होगी तो दुख बांटेगा। आत्मा की स्टेज होगी, आत्मा एक जगह एकाग्र हो चुकी होगी तो देह के अंगों में कहां क्या हो रहा है ये अनुभव हो गई। बाबा द्रौपदी की तुम सब द्रौपदियां हो तो हम भी द्रौपदी बनेंगे। ये दिमाग में हमारे बात बहुत चलती है, जब द्रौपदी इतनी ऊंची नारी जो नारी से नारायणी बन सकती है और उसको पांच पति थे तो हमारा भी चिंतन चलता है कि पांच पति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पति का अर्थ होता है पाति, पति माना पाति अर्थात रक्षा करने वाला। जो भी ब्रह्मा कुमारी है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, बाबा का घर संभालने के लिए कहीं जाती है या उनका ट्रांसफर कहीं दूसरे मिनी मधुबन में होता है तो वहां उनकी रक्षा करने के लिए कोई न कोई भाई निमित्त बनता है या नहीं बनता है?
है, बनता है। एक सेंटर में गया तो एक निमित्त बना, दूसरे सेंटर में गया तो दूसरा निमित्त बना, तीसरे सेंटर में गया तो तीसरा निमित्त बना। उसके लिए कोई जरूरी है कि कर्मेंद्रियों का ही संबंध हो जाए तब पति बनेगा? जरूरी है, है? है? नहीं ना। तो ये अपने अपने सोच की बात है। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, दुष्टों से रक्षा करे। तो कोई तो भाई भी अच्छी तरीके से सेंटर चलाते हैं और कोई भाई ऐसे होते हैं दुर्योधन दुशासन बन करके चलाते हैं। ताली दोनों हाथों से बजेगी या एक हाथ से बजेगी? एक की इच्छा होगी, दूसरे की इच्छा नहीं होगी। तो आश्रम में रहने वाली कन्या माता को कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने बताया है, कोई तुमको हाथ लगा दे तो जोर से थप्पड़ मारो, नहीं माने तो जोर से चिल्लाओ बाबा बाबा बाबा, कोहराम मचा के रख दो, भाग जाओगे। द्रौपदी का आखी है ध्रुव पद पाने वाली। कैसा पद पाने वाली? ध्रुव है जिसका पद, जैसे ध्रुव तारा ऊंची तेज में चमक रहा है, अपने स्थान से चलता नहीं, ऐसे ही द्रौपदी भी बल पांच पांच उसकी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन वो अपने विरुद्ध से टलने वाली नहीं है। क्या विरुद्ध है? एक बाप दूसरा न कोई। पार्टी कर रहे हैं ना, इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो, क्योंकि चंद्रवंश की आत्मा है, दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा भी खा सकती है। दूसरे धर्म की आत्माएं आधार मूर्तों में अर्थात बेसिक नॉलेज वाली पार्टी में जो शरीर छोड़ रहे हैं उनमें भी तो दूसरे दूसरे धर्म के हैं ना। और एडवांस पार्टी में भी बीज रूप आत्माएं अलग अलग धर्मों के छिलके वाली है। तो जो जिससे कनेक्टेड है वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है, जिनका जिससे हिसाब किताब है। शरीर छोड़ने वाले इंस्पिरेटिंग पार्टी में जा रहे हैं, बेसिक नॉलेज वाले। और जिनमें प्रवेश होता है वो प्लानिंग पार्टी वाले हैं, ज्ञान की प्लानिंग करते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। और जोर से बोलो, अभी कौन सा शूटिंग चल रहा है? छठवीं शूटिंग कब चला है ये पता है? है? अच्छा त्रेता युग की शूटिंग कब से कब तक वो पता है? द्वापर युग की शूटिंग का पता है? है? और कलयुग की शूटिंग का पता है? कुछ पता ही नहीं तो ये पूछने से भी क्या फायदा, अभी कौन से युग की शूटिंग चल रहा है? मनसा के संकल्पों से
सृष्टि रची जाती है ब्रह्मा के द्वारा। जिस ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि रची गई, उस मानसी सृष्टि में पहले पहले जन्म होता है चार ब्राह्मणों का, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, जो चार मुख्य धर्मों के बीज हैं। सच की शूटिंग भी होती है, वो चार घोड़ों की गाड़ी यज्ञ के आदि में भी थी। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, माना सृष्टि चक्र में राधा कृष्ण को जो दिखाया गया है वो 40 वर्ष की शूटिंग का समय है, उसमें 35 साल है मम्मा बाबा के रहने तक और 7-8 साल है अंतराल का पीरियड। बाबा के शरीर छोड़ने से लेकर के 76 तक उन 7-8 सालों के अंतराल में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, शंकर की मूर्ति। उससे पहले मानसी शक्ति की शुरुआत हो जाती है 76 में। सन 77 बनता है संपूर्ण टावर और संपूर्णता वर्ष में जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है उसके द्वारा त्रेता युग की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, ये त्रेता युग की शूटिंग कब तक चलती है? जब तक कृष्ण रूप ब्रह्मा की 100 साल पूरे न हो जाए। उनके 100 साल पूरे होते हैं 87-88 में। जब एक वर्ष ब्रह्मा की सोल ने गुलजार आदि में आना बंद कर दिया था तब उनके 100 साल पूरे हो चुके थे। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है तो ब्रह्मा का मृत्युलोक समाप्त होने के बाद अमर लोक शुरू होता है, इसलिए यादगार बनाई हुई है पीपल के पत्ते पर नवैया बना करके संसार सागर में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल आराम से गर्भ महल में बैठी हुई है और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। जब से ये शूटिंग शुरू होती है तो 9 कन्याएं एक ही स्थान में धक से सरेंडर हो जाती हैं एडवांस पार्टी बिन फेरे हम तेरे। कोई मनुष्य के लिए ये बात नहीं हो सकती है, ये संगम भी कृष्ण की बात है। जो संसार में भगवान के रूप में गाया जाता है उसके पीछे
बिना फेरे लगाए सामाजिक मान्यताओं को तोड़ते हुए नौ कन्याएं एक साथ भगवान बाप की बन जाती है। वो अमर लोक की बात है। जब कृष्ण की आत्मा अमर लोक का अनुभव करती है, संसार सागर है विषय सागर, लेकिन उस विषय सागर में कोई पीपल के पत्ते की तरह हिलने डुलने वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करके निश्चिंत अवस्था का अंगूठा सूचते हुए कृष्ण की चोल को दिखाया जाता है। तो द्वापर युगी सूचिंग में कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई गई। पहले गर्भ में प्रवेश होता है और बाद में द्वापर युगी सूचिंग के अंत में बाहर प्रत्यक्ष होता है कंस की जेल से। तो 89-90 से लेकर के 98 तक का जो पीरियड है वो द्वापर युग की सूचित है। बाद एक साल का रूम वर्ष और 99 से लेकर के 2003 तक के 4 वर्षों में कलयुग की सूचित होती है। कलह कलेश का फाउंडेशन पर जाता है द्वापर के अंत में। हिस्ट्री भी ये बात बताती है। कि द्वापर युग में लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर नहीं होते थे, धर्म की बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। भारतवर्ष में खास जब द्वापर का अंत हुआ तो पहला आक्रमण मुसलमानों का हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। वहां से कलयुग की शुरुआत हो जाती है। कलह कलेश का युग माना जैसे ही कृष्ण प्रत्यक्ष होता है कृष्ण और कंस संप्रदाय की लड़ाई शुरू हो जाती है। कलह कलेश का युग शुरू हो जाता है 98-99 से लेकर के 2004 तक के पीरियड चलता है। कलयुग भी चुके उसके बाद जैसे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-15 साल लगे, संक्षेप में ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हो गया ना ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बन गया, नाम फिर भी ओम मंडली रहा। कब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ? जब से ब्रह्मा नाम से प्रत्यक्ष हुआ। तो पहला सेंटर 51-52-53 में दिल्ली के कमला नगर सेंटर में खुला और ब्रह्मा के रूप में तब प्रत्यक्ष हुआ जब कराची में उनके द्वारा मुरली चलना शुरू हुई। ब्रह्मा के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो 36 से लेकर के 45 तक 47 तक ये 8-10 वर्ष लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही ये कहें
कि 50-51 में काशी से भारतवर्ष आए तब हिम्मत पड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखने की। संसार में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा नाम की प्रत्यक्षता कब से हुई? कराची से शुरू हुई या भारत में आने के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई तब शुरू हुई? भारत में आने के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नामकरण हुआ और ब्रह्मा के मुख से जब से वाणी चलना शुरू हुई कराची से तब से बुद्धि में आने लगा ब्राह्मणों को कि ये ब्रह्मा की आत्मा है। दादा लेखराज तो कहेंगे कि सन 36-37 से लेकर के 50-51 के 15-16 वर्ष में पहली ऊंची प्रत्यक्ष हुई। ये अंतराल का पीरियड है पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना समय लग गया? 69 से लेकर के 76 तक, ये 7-8 साल का पीरियड अंतराल का समय है। ब्रह्मा की मूर्ति गई और दूसरी मूर्ति रंगमंच पर प्रत्यक्ष हुई। ऐसे नहीं ब्रह्मा का पार्ट खलास हो गया, ब्रह्मा का पार्ट भी चलता है और दूसरी मूर्ति शंकर का पार्ट भी चलता है। ब्रह्मा है माना बड़ी मैं है तो जरूर कोई स्त्री चोले के द्वारा पाठ बजाती है। इसे शंकर का पात्रदारी परमात्मे पर स्वीकार करता है। चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है अर्धचंद्र। ये दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही दूसरी मूर्ति का कार्यकाल भी 30-33 साल का है। जैसे ब्रह्मा ने 33 साल पूरे होने पर मूर्ति का रूप छोड़ दिया, अमूर्त रूप धारण कर लिया। 18 जनवरी 1969 तक मूर्त था, उसके बाद अमूर्त हो गया, मूर्ति खलास हो गई, गुप्त हो गई, पाठ नहीं गुप्त हुआ। जो तो बोला हुआ है स्थापना के कार्य में ब्रह्मा का पाठ अंत तक नुदा हुआ है। ऐसे ही दूसरी दो मूर्तियों का पाठ भी अंत तक नुदा हुआ है। ऐसे नहीं कि शंकर की मूर्ति का पाठ 30 साल पूरे होने के बाद खराब हो जाता है। हाँ, जो विधर्मी आत्माएं हैं, विमुख आत्माएं हैं, विमुख रहने वाले ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, दूसरे धर्मों का छिलका जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, उनके लिए गुप्त हो जाता है और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जैसे 4-6 साल की वाणी के अंदर ही अव्यक्त बाप दादा ने बोला हुआ है कि बाप दादा
दुनिया की नजरों से, दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए। अभी भी ये पाठ चल रहा है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति का पाठ खत्म हो गया, पाठ तो चालू रहता है। जब तक पूरी स्थापना ना हो जाए, जब तक 100% पालना का रूप प्रत्यक्ष न हो जाए, और जब तक 100% 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश न हो जाए, तब तक तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होकर के रहेंगी। तो ये 30-33 साल का पाठ दूसरी मूर्ति का पूरा होता है 2004 में, और उसके बाद 16 साल ब्रह्मा की मूर्ति पहली मूर्ति के लिए, 8 साल दूसरी मूर्ति के लिए, और 4 साल तीसरी मूर्ति विष्णु के प्रत्यक्ष होने के लिए निधि हुई है। ये 4 साल पूरे होंगे और विष्णु की मूर्ति जो संस्कारों को परिवर्तन करने वाली मूर्ति है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार के सामने प्रत्यक्ष होने लगी। ऐसे नहीं सबके सामने एक साथ। दूसरी मूर्ति शंकर की मूर्ति सब ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या क्षेत्र में है? ऐसे ही ब्रह्मा की मूर्ति 47-48 में जो भी क्रांति में ब्राह्मण परिवार था सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या? कोई की बुद्धि में बैठा, कोई की बुद्धि में उतना नहीं बैठा। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा था, जब माउंट आबू आने के बाद 53-54 में बैगरी पार्क चला तो वो सब छोड़ करके चले गए। पचहत्तर की संख्या बची। ऐसे ही यहां भी है। दूसरी मूर्ति के बाद तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है तो उस समय ये नहीं है कि शूटिंग नहीं चलती है, शूटिंग का कारोबार तो चालू रहता है। तीव्र पुरुषार्थियों के लिए वो ऐसा पीरियड है जैसे फाइनल एग्जाम होने के बाद थोड़े दिनों के लिए छुट्टी कर दी जाती है। अपनी अपनी तैयारी करो, कोई तो मौज मस्ती में लग जाते हैं और कोई तीव्र गति से तैयारियां करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे ही अंतराल का टाइम चल रहा है। कोई तो मौज मस्ती की नींद में हमसे मिले सो रहे हैं, हमसे होता ही नहीं। और कोई तो अलर्ट होकर के पूछताछ कर रहे हैं। ये 3-4 साल का टाइम अभी जल्दी ही पूरा होने वाला है। कोई के लिए प्रधान स्टेज की शूटिंग हो रही है, कोई के लिए सतो सामान्य पुरुषार्थ की शूटिंग हो रही है, कोई के लिए द्वापर युगी रजो प्रधान का की शूटिंग हो रही है, और कोई के लिए तामसी स्टेज की शूटिंग हो रही है। ये मिक्स शूटिंग चल रही है।
ये नहीं कहा जा सकता कि सब के लिए एक युग की शूटिंग चल रही है। जैसा जैसा जिसका पुरसाद वैसी वैसी उसके लिए शूटिंग। कोई आत्मा अभी भी तीव्र गति से सबका भला करने में लगी हुई है। चरती कला तेरे बहाने कर्म का होगा। और कोई आत्माएं अपने ही धंधे धोरी में मस्त हो गई है। तो शूटिंग का हिसाब अलग अलग प्रकार का है और बोलो बोलो अपनी भाषा में बोलो, कोई अनुवाद कर देगा। सत्युग के आदि में वह उतना ऊंचा पार्ट बजाता है।
साथ में गिर रहे हैं वो दो तरीके से गिर रहे हैं, एक तो मनसा से नीचे गिरते हैं, एक कर्मेंद्रियों से भी नीचे गिर पड़ते हैं। ज्यादा चोट किसको लगेगी है? जो कर्मेंद्रियों से भी नीचे कर्मणा में आ जाते हैं उनको ज्यादा चोट लगती है, और जो मनसा की बात मनसा तक ही सीमित रखते हैं और बात को अपना कोटा मेल दे करके हल्के हो जाते हैं उनको उतनी चोट नहीं लगती, फायदे में आ जाते हैं। और ज्यादा पतित है इतना ही, जो अभी ज्यादा पतित है वो घाटे में आ गए, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है, तो जब सौगात दे दी है तो पतित बने की शूटिंग करेंगे या पावन होने की शूटिंग करेंगे? अभी पतित होने का टाइम नहीं है, बाप आया हुआ हूं, बाप के बच्चे बाप के सन्मुख हैं, तो विरूपने का पार्ट बजाएंगे, पतित पने का पार्ट बजाएंगे या सन्मुख होकर पावन बनने का पार्ट बजाएंगे? पावन बनने का पार्ट बजाना चाहिए। उल्टी बात क्यों बुद्धि में बैठे कि जितना हम नीचे गिरेंगे उतना ऊंचे उठेंगे? अभी नीचे गिरने का टाइम है, और जब तक निश्चय नहीं है तब तक धारणा नहीं करती, जब निश्चय पक्का हो जाएगा कि बाप आया हुआ है तो उसको कोई क्रास नहीं कर सकेगा बुद्धि अर्पण करने में। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला कौन? पत्थर बुद्धि है माया, जब तक निश्चय पक्का ही नहीं हुआ है तो शूटिंग कैसे शुरू हो जाएगी? हंस होता है ऊंची स्टेज में उड़ने वाला, बड़े पंखों वाला,
और नील नील विवेकी पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध ग्रहण कर लेता है। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो क्षीर सागर का ज्ञान है और मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं वो पानी के गंगा बहाते हैं। तो जो पक्षी ब्राह्मण आत्माएं हैं नीर चीर विवेकी हंस हैं ऊंची स्टेज में उड़ने वाले हैं और ज्ञानमान सरोवर के किनारे रहने वाले हैं वो दूध ही दूध पीते हैं और मनुष्यों के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान जल ग्रहण नहीं करते। मनुष्य पानी देते हैं जिसको बिलोने से सार नहीं निकल सकता और भगवान जो सुनाते हैं उस ज्ञान को बिलोने से सार निकलता है मक्खन निकलता है। पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता ना नई दुनिया बन सकती है। इसलिए हंस को नीर चीर विवेकी कहा जाता है। जो आप है वो हंस वृत्ति के हैं या नहीं है? जो अष्टदेव है वो हंस वृत्ति के हैं या कौवा वृत्ति के हैं? वो मनुष्यों के ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं पानी को ग्रहण करने वाले हैं या क्षीर सागर में रहने वाले नारायण के ज्ञान को ग्रहण करने वाले वो किसके नजदीक रहने वाले? ज्ञानमान सरोवर के नजदीक रहने वाले। इसलिए अध्यक्ष बारी में बोला हुआ है अभी जो 2 साल से अष्टदेवों से ही विशेष बातचीत होती है अध्यक्ष बाप दादा की अध्यक्ष वाणी में उस वाणी में बोला है तुम बच्चे बाप दादा के बिगड़ रह नहीं सकते और बाप दादा तुम्हारे बिगड़ रह नहीं सकते। इतना क्लोज कनेक्शन है अष्टदेवों का बाप दादा से। गंगा की मुख्य प्रजा है भीष्म पितामह। गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं सन्यासी लोग और सन्यासियों में बाल योगी सन्यासी है भीष्म पितामह। इसलिए भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। पुत्र माना रचना गंगा है हृदय का और भीष्म पितामह है उनकी प्रजा। प्रजा माना रचना प्रत्यक्ष रूपे में जाए थे तो गंगा का भीष्म से क्लोज कनेक्शन है। बाप आया हुआ है तो बाप के बच्चे मातृभाषा बोलेंगे या दूसरी भाषा बोलेंगे?
के ऐसे होते हैं कि जल्दी उनके मुंह से भाषा नहीं निकलती, बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो भी भाषा बोल नहीं पाते। कोई भाषा में डिफेक्ट है, तो पुरुषार्थ करके उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया जा सकता क्या? किया जा सकता है ना? तो ऐसे नहीं समझना कि हम तो बूढ़े वाले हैं, भाषा नहीं सीख सकते। ऐसे भी सिंपल निकलेंगे जो दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र में जन्म लेते हैं, पलते हैं, और बाप का ज्ञान लेने के बाद बहुत जल्दी बाप की भाषा समझ लेते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। ये तो भारतवासियों की बात हुई, विदेश से आने वाले कन्याएं माताएं इनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो भी भारत में एक दो बार आने के बाद भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, हिंदी सीख लेते हैं, अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं हिंदी में। तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता? एक बार फिर ठीक करो बाबा, एक ही बाबा है प्रजा पे, जो कब मानते हैं वो तो कम प्रजा, कब मानेंगे? कौन मानने की बात कर रहे हैं? सब लोग माने 500 करोड़ है, 500 करोड़ जब मानेंगे, जब 500 करोड़ के ऊपर विनाश बरपा होगा, जब दुनिया का विनाश होगा तो जान जाएंगे कि विनाशकारी मूर्ति कौन सी है, जो काम दुनिया के धर्म पिताएं नहीं कर सकते, जो काम करने के लिए ये बापों का बाप आया हुआ है और उसको बाप स्वीकार कर लेंगे। प्रजा पिता माना सारी मनुष्य शक्ति का पिता, जो नास्तिक से नास्तिक एटम बम बनाने वाली आत्माएं हैं वो भी अंत समय में त्राहिमाम कर जाएंगी, बाप स्वीकार कर लेंगे, नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे। सचिव में भाषा होगी, ये बताएं कम बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं? अभी बाबा हमको सिखा रहा है कम बोलो, धीमे बोलो और मीठा बोलो। तो सतयुग में भाषा की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि कोई को देहभान नहीं होगा, देहभान ये 5 तत्वों के रूप में रोड़ा है, आत्माभिमानी आत्मा जब बनेगी तो दूर बैठी हुई आत्माओं को भी अपना संदेश भेज सकेगी और दूर बैठी आत्माओं से अपना संदेश मंगा सकेगी, दूर बैठे बैठे भी बात कर सकेगी, उसके लिए यंत्रों की भी जरूरत नहीं, दिल से दिल को राहत होगी। जैसे अभी भी कोई कोई अनुभव करते हैं
कि विदेश में बच्चा कोई संकट में पड़ जाता है तो माँ को स्वप्न हो जाता है, माँ को अंदर से दिल धड़कने लगता है। तो ये वाइब्रेशन का कनेक्शन है। ऐसे ही सचिव में भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषा की जरूरत तब तक है जब तक ये पांच तत्वों की दुनिया मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं है। ओम शांति।